जी, करंट अकाउंट्स के अंदर इन्वेंट्री मैनेज, अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट और कैश मैनेजमेंट के बाद, मार्केटेबल सिक्योरिटीज मैनेजमेंट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। हमने बेसिकली इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है, हमने ये देखना है कि हमें कितनी इन्वेंट्री चाहिए, हमारे पास अप टू द मार्क इन्वेंट्री होनी चाहिए ताकि हम अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर सकें। अच्छा, एक मेथड इसमें दिया हुआ है, ये सामने आपके पास चार्ट है, बड़ा आसान सा एबीसी मेथड। ठीक है जी, कोई भी प्रोडक्ट हमेशा एक उससे नहीं बनती, मटेरियल से, उसके अंदर मल्टीपल मटेरियल होते हैं। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल इवन कोई चेयर उठा लें, जैसे ऑफिस चेयर होती है, ऑफिस चेयर के अंदर भी मल्टीपल आइटम्स होते हैं, मतलब उसमें प्लास्टिक भी यूज़ होगा, फोम भी यूज़ होगा, स्टील भी यूज़ होगा। तो आपको जब एक प्रोडक्ट बनानी है, मैन्युफैक्चर करनी है, तो उस प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल क्या कहते हैं, मल्टीपल इन्वेंट्री के आइटम्स यूज होंगे। तो आपको बेसिकली उसको डिफाइन करना है कि कौन कौन से इन्वेंट्री किस तरीके से उसमें इस्तेमाल हो। जैसे ये एबीसी मेथड है, एक पोर्शन ये है, बी ये है, सी ये है। ठीक है, मैं इसको नॉर्मली आसान उसमें समझाता हूँ। जैसे बोर्ड मार्कर है आपका, बोर्ड मार्कर में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक यूज होता है, तो सबसे ज़्यादा आप इन्वेंट्री के अंदर प्लास्टिक रखेंगे। उसके बाद आपको उसके अंदर फोम यूज़ करना पड़ता है, जिससे उसकी निब वगैरह बनती है, वो रखनी पड़ेगी। एंड थर्ड नंबर पे उसके वो इंक वगैरह यूज़ हो। तो आपकी अगर एक इन्वेंट्री है, तो एक इन्वेंट्री फॉर एग्जांपल 100% अगर हम उसे कहें कि एक इन्वेंट्री है जिसको आपने 100% बनाना है, तो इसमें ए जो आइटम है वो यूज होता है, लेट्स सपोज 15%, बी आइटम जो यूज होता है दैट इसकी कंट्रीब्यूशन 30% है, तो रिमेनिंग आपके पास बनता है सी आइटम, तो सी आइटम 55% कंट्रीब्यूट करता है। अब ये कंट्रीब्यूट करने से क्या मुराद है कि आपके पास एक आइटम को बनाने के लिए जो मल्टीपल उसके सब आइटम्स हैं उनकी एक रेशो इन्वॉल्व होगी, वो रेशो हम डिफाइन कर लेते हैं एबीसी पे। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोडक्ट के 100 यूनिट्स बनाने हैं, तो उस प्रोडक्ट के सब आइटम्स की इन्वेंट्री आपके पास मौजूद हो। क्यों मौजूद हो? क्योंकि उस इन्वेंट्री को जो बिल्डअप करना है, जो बनाना है और उसके अंदर जो यूज़ होना है आइटम, वो डिफरेंट सब आइटम है और हर आइटम की एक पर्टिकुलर क्वांटिटी उस प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल होगी। तो जितनी क्वांटिटी उसके अंदर इस्तेमाल होगी उतनी क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए। हर क्वांटिटी बराबर नहीं होती, इसलिए हम इसको एबीसी मेथड कहते हैं कि आप अपनी टोटल इन्वेंट्री को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हिस्सों के अंदर, जिसके अंदर ए पार्ट का अपना अलहदा शेयर है, बी का अलहदा शेयर है, सी का अलहदा शेयर है। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि आपको कितनी क्वांटिटी अपने पास होल्ड करनी है ताकि आपकी जो टोटल कॉस्ट है, ठीक है, जो टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज एंड होल्डिंग है, ठीक है, वो कम से कम रहे। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आपने कोई चीज़ परचेज की और उसके बाद वो आपको डिलीवर भी होनी है, उसके ऊपर भी एक्सपेंसेस आना है, तो ये सारे एक्सपेंसेस आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज के अंदर शामिल होते हैं। तो आप कितनी क्वांटिटी एक वक्त में ऑर्डर करें ताकि आपकी जो टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज है वो मिनिमल रहे। सो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो एवरेज इन्वेंट्री होगी दैट वुड बी इक्वल टू क्यू बाई टू, ठीक है, दैट वुड बी क्यू बाय टू। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्यू बाय टू। पूरे साल में कोई भी इन्वेंट्री, देखें इन्वेंट्री का एवरेज फार्मूला क्या होता है, समेशन एक्स, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अगर आप उनको एड अप करें, तो एड अप करने के बाद जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो वो आपका एवरेज बनेगा। अब सवाल ये है कि आपको नहीं पता पूरे साल में किस वक्त कितनी इन्वेंट्री होगी, लेकिन कोई ना कोई इन्वेंट्री आप परचेज कर रहे होंगे, ठीक है, कैसे परचेज कर रहे होंगे। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल कहूँ, मंथली मैं लेता हूँ 30 यूनिट्स, 30 यूनिट्स का मतलब है स्टार्ट ऑफ द मंथ ही होंगे 30 और एंड ऑफ द मंथ भी ये 30 होंगे, क्योंकि जैसे ये ख़त्म होने लगेंगे मैं नए मंगवा लूँगा। इसका मतलब है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो मेरी एवरेज इन्वेंट्री होगी दैट वुड बी इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2। 30 डिवाइडेड बाई 2 का क्या मतलब है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो भी इन्वेंट्री आपके पास मौजूद होगी
वो अगर आप हाफ करें तो दैट वुड बी योर एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री से क्या मुराद है, या तो आपके पास मल्टीपल क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए, अगर ऑब्जर्वेशंस नहीं है तो किसी भी टाइम पे अगर आपके पास कोई भी इन्वेंट्री मौजूद है अगर आप उसको टू पे डिवाइड करें दैट वुड बी योर एवरेज इन्वेंट्री। अगर आपकी एवरेज इन्वेंट्री क्यू बाई टू है देन वट विल बी योर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। अच्छा, इस कॉस्ट को अगर आप बात करें तो ये सिर्फ परचेज कॉस्ट की बात हो रही है, इसमें आप परचेज ऑफ आइटम की बात नहीं करते। परचेज कॉस्ट से क्या मुराद है, परचेज कॉस्ट से मुराद ये है कि उस इन्वेंट्री को लाने पे कितने पैसे खर्च होंगे, उस इन्वेंट्री को ऑर्डर करने पे कितने पैसे खर्च होंगे और उस इन्वेंट्री को रखने पे कितने पैसे खर्च होंगे, सिर्फ इस कॉस्ट की बात हो रही है। आप इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है उसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, सो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का क्या मतलब है, वो इन्वेंट्री जो आप रखेंगे अपने पास वो कितने की कॉस्ट करेगी आपको, उसकी परचेज प्राइस अलग है। सो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज इक्वल टू सी इन टू क्यू बाय टू। अब हम यहाँ डिफाइन कर लेते हैं सी, सी इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट क्या मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 5 रुपी पर बैग, कौन सा बैग, अगर फॉर एग्जांपल हम कोल्ड स्टोरेज में रखना चाहें तो एक कोल्ड स्टोरेज में एक बैग रखने की क्या प्राइस होगी, दैट वुड बी 5 रुपीज पर बैग। तो एक बैग को फॉर एग्जांपल मुझे अपने पास अपने वेयर हाउस में रखना पड़े तो उसको रखने के कितनी कॉस्ट होगी, दैट वुड बी सी। कोई भी हो सकती है ना, देखें 5 रुपीज कोई कॉन्स्टेंट तो नहीं है, वेरिएबल है, कभी 5 होगी कभी 7 होगी कभी 3 होगी। सो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू सी, सी मल्टीप्लाई बाय क्यू बाय टू। अब यहाँ क्यू बाय टू हमें मजीद समझ आता है, हमें यहाँ क्यू बाय टू मजीद क्यों समझ आता है, देखें हमने कहा एक यूनिट को रखने की कॉस्ट होगी हमें बस सी, और सी को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्यू बाय टू जो कि एवरेज इन्वेंट्री है, वो इन्वेंट्री जो आपके स्टॉक में पड़ी है, बाकी इन्वेंट्री तो आपकी प्रोसेस में है, कुछ इन्वेंट्री आपकी स्टॉक में होगी बाकी इन्वेंट्री आपकी प्रोसेस में होगी, तभी ये सर्कल चल रहा होगा। सो इसका मतलब हुआ कि एवरेज इन्वेंट्री जो भी आपके पास किसी भी टाइम के ऊपर पड़ी है, पड़ी प्रोसेस वाली नहीं, नॉट इन वर्किंग प्रोसेस, वो इन्वेंट्री जो आपके पास वेयर हाउस में या कहीं पड़ी हुई है, अगर आप उस इन्वेंट्री को, उस एवरेज इन्वेंट्री को मल्टीप्लाई करें पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट से, सो दैट विल बी इक्वल टू योर टोटल कैरिंग कॉस्ट, उस पूरी इन्वेंट्री, एक बैग पड़ा है तो एक को मल्टीप्लाई कर दें सी से, अगर आपके पास 20 बैग पड़े हैं तो 20 को मल्टीप्लाई कर दें, तो सी मल्टीप्लाई बाय क्यू डिवाइडेड बाय टू इज योर टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट का मतलब है कि एक एवरेज इन्वेंट्री अगर आपके पास मौजूद है तो उस एवरेज इन्वेंट्री को रखने के कितने पैसे हैं। That is your Q by 2. अच्छा, इसके अंदर add करेंगे another is O multiplied by S divided by Q. Q तो देखें वही inventory है जो भी आपके पास पड़ी है, Q by 2 average कहेंगे, वैसे कोई भी inventory आपके पास Q है तो उसको order करने के कितने पैसे हैं? इसमें हम define कर लेते हैं what is O. O is equal to per ऑर्डर कॉस्ट, एक ऑर्डर को करने की कितनी कॉस्ट है, चाहे वो 2 रुपए है चाहे वो 200 रुपए, एक ऑर्डर को करने की कितनी कॉस्ट है, दैट इज ओ। एस, एस इज इक्वल टू टोटल यूनिट्स फॉर ए नीडेड, टोटल यूनिट्स नीडेड फॉर ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग साइकिल, यानी पूरे साल में, फॉर एग्जांपल आपने एक साल का अकाउंटिंग साइकिल है तो पूरे साल में जितने भी यूनिट इस्तेमाल करने हैं, एक करना है या 1000 करना है, दैट वुड बी एस। एंड व्हाट इज क्यू, हमने क्यू का कहा किसी भी छोटे टाइम के वक्त आपके पास जितनी भी इन्वेंट्री है वो क्यू कहलाएगी। सो क्यू इज व्हाट, क्यू इज यूनिट्स You need for one cycle, one small cycle in
एन अकाउंटिंग साइकिल, इन एन अकाउंटिंग साइकिल, क्या बात बनी? बात ये बनी कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को 30 दिन का क्रेडिट देते होंगे तो आप पूरे साल की इन्वेंट्री तो नहीं मंगाते होंगे। अभी हमने अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट पढ़े हैं, अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट में हमने कहा जी एक वक्त में हमारे जो रिसीवेबल क्रिएट होते हैं दैट इज डिपेंडेंट ऑन इन अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। तो अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को 1 महीने का क्रेडिट देते हैं तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि आप पूरे साल की इन्वेंट्री एक ही दफा लेकर रख लें अपने पास। सो दैट मीन्स कि आप सिर्फ 1 महीने की इन्वेंट्री लेते होंगे, तो 1 महीने की इन्वेंट्री आपकी क्यों कहलाएगी? लेट्स सपोज आप लोगों को 2 महीने का क्रेडिट देंगे तो आप सिर्फ 2 महीने की इन्वेंट्री लेंगे, पूरे साल की तो नहीं लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू आपका वो यूनिट है जो आप पूरे साल में के छोटे हिस्से में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूले को अब देखें दूसरे पोर्शन को, वी से के ओ इज योर पर ऑर्डर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय एस बाय क्यू, एस बाय क्यू यहाँ S डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स। आप सारे साल में फॉर एग्जाम्पल 12,000 यूनिट इस्तेमाल करते हैं सारे साल के एक हिस्से में, यानी आप लोगों को हर महीने का क्रेडिट देते हैं जिसके लिए आपको 1,000 यूनिट दरकार है, तो पूरे साल में आप कितने ऑर्डर देंगे? 12। टोटल इन्वेंट्री पूरे साल में इस्तेमाल करनी है 12,000। आपके अकाउंट जो क्रेडिट पॉलिसी है वो है 1 महीने की, तो इसका मतलब है आप हर महीने यूनिट मंगाएंगे, उनको प्रोसेस करके बेचते रहेंगे, फिर अगले महीने मंगाए, फिर अगले महीने, इस तरह 12 दफा मंगाने पड़ेंगे।